दोस्तों, ये जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये कोई मेट्रो सिटी या फिर कोई महानगर सिटी की ये जो तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीरें बाड़मेर की है। बाड़मेर में 38 लाख की लागत से बने म्यूजिकल फाउंडेशन का जो है लोकार्पण हुआ है। नगर परिषद बाड़मेर द्वारा आदर्श स्टेडियम में 38 लाख रुपए की लागत से बने म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण शनिवार को सभापति दीपक परमार, प्रतिपक्ष नेता पृथ्वीराज चंडक एवं भाजपा जिला प्रवक्ता रमेश इंदा के अतिथि में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर सभापति दीपक परमार ने 5 साल में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा जो है वह भी दिया है। 38 लाख रुपए की लागत से बना ये फाउंटेन सबका मन मोह लेगा। जैसे कोई बड़ी मेट्रो सिटी या फिर कोई बड़ा महानगर की ये तस्वीरें जो है वैसा नजर आएगा, लेकिन ये तस्वीरें बाड़मेर की है। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम की है। वहां पर म्यूजिकल फाउंटेन बनकर जो है वो तैयार हुआ है। 38 लाख रुपए की लागत से बना है। जिला कलेक्टर टीना डाबी का नव बाड़मेर अभियान तो है वो लगातार जारी है। इसी के साथ साथ नगर परिषद भी जो है वो अपना काम लगातार करती हुई नजर आ रही है। जैसे कि ये फाउंटेन बना दिया गया है, म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है, और शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर जो है फाउंटेन के साथ साथ अलग अलग चौक चौराहों पर जो है नवीनीकरण किया गया है। पिछले दिनों जो है जिला कलेक्टर टीना डाबी का नव बाड़मेर अभियान जो है वो लगातार जारी है, और ऐसे में शहर में कचरा व्यवस्था को लेकर जो है वो कई बड़े कदम जो है वह भी उठाए गए हैं। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जो है बड़े कदम उठाए गए हैं। और अब जो आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, नगर परिषद द्वारा 38 लाख रुपए में जो है म्यूजिकल फाउंटेन बनाया गया है बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में। प्रतिपक्ष नेता पृथ्वीराज चंडक ने कहा कि आमजन के विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। अतिथियों द्वारा रिमोट द्वारा इसका शुभारंभ जो है वह किया गया है। पूर्ण रूप से जीपीएस आधारित इस फाउंटेन में 250 से अधिक सिस्टम है। तो आप देखिए तस्वीरों में कितना सुंदर तरीके से जो है इसको बनाया गया है। म्यूजिकल फाउंटेन है। अब म्यूजिक के साथ साथ जो फाउंटेन है वह भी चलेगा। तो जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द घटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।